आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से है, जहां पर हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। प्लांट में गैस पाइपलाइन में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। देखते ही देखते कई लोगों की जान चली गई, 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, लोग घायल बताए जा रहे हैं। अचानक हुए धमाके से वहां काम कर रहे कर्मचारियों को भागने और जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। कम से कम 14 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। हालांकि गैस पाइपलाइन में मरम्मत के दौरान धमाका कैसे हो गया, इसे लेकर अभी जानकारी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन ये घटनास्थल की तस्वीरें जिस दौरान यह हादसा हुआ, देखिए जबरदस्त वहां पर भीषण आग की तस्वीर। धमाके के बाद मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन इसी दौरान यह हादसा हो गया और एक बड़े हिस्से में आग फैली हुई दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ। रवीश, क्या अभी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है हादसे को लेकर? देखिए मीनाक्षी, आपको बताएं कि अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक स्टील प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट है उसी में एक डिपार्टमेंट है कोक ओवन। तो कोक ओवन के पास जो पाइपलाइन है उसमें मरम्मत का आज ये काम चल रहा था, और जिसका नंबर बताया जा रहा है कोक ओवन का बैटरी नंबर 11। ये बैटरी नंबर 11 ही वो जगह है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ है। और यहां पे जब पाइपलाइन में मरम्मत का ही काम चल रहा था तो वेल्डिंग के दौरान ये पता चला है कि अचानक से उसमें जोरदार धमाका हुआ है, और धमाका इतना तेज था कि जितने भी लोग उस वक्त आस पास खड़े थे वो सभी इसकी चपेट में आ गए। और अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन प्रशासन से जो बात हुई है उसके मुताबिक मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया अस्पताल में उनकी हालत भी फिलहाल खतरे की जद में बताई जा रही है। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और सवाल ये खड़े हो रहा है कि आखिरकार जो कदम उठाए जाते हैं इस तरीके की मरम्मत के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक काम जब फिर से किया जा रहा था मरम्मतीकरण का, तो इस दौरान जो सुरक्षा के लिए एहतियात बरती जाती है उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि हादसा भी और बड़ा हो सकता है, मृतकों का आंकड़ा जो है इसमें और बढ़ सकता है। बिल्कुल रवीश, और एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। आप देख रहे हैं ये एक स्टिल पिक्चर जो इस हादसे के दौरान बताता है कि कितना खतरनाक ये हादसा है। आग की लपटें अगर आप देखेंगे तो कितने बड़े हिस्से में फैली हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि प्रशासन भी इस बात की आशंका जता रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसकी जानकारी रवीश भी दे रहे हैं। रवीश, हम देख रहे हैं कि घटनास्थल से जो तस्वीरें मिल रही हैं, लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने का काम भी चल रहा है। अभी कौन कौन घटनास्थल पर मौजूद है और कहां इनको घायलों को ले जाया गया है नजदीकी अस्पताल में? देखिए भिलाई के सेक्टर 9 में बड़ा अस्पताल है भिलाई स्टील प्लांट का, वो सेल के द्वारा ही संचालित होता है। फिलहाल वहां ले जाया गया है, जिला चिकित्सालय ले जाया गया है घायलों को। कलेक्टर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ ही में जो स्थानीय प्रशासन है उसके तमाम अधिकारी भी जो है वो पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि जो घायल है उनकी संख्या के मुताबिक अभी तकरीबन 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, 14 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गंभीर घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो हादसा जहां पे हुआ है कोक ओवन के पास, वहां पे सीआईएसएफ और जो स्थानीय पुलिस है उसने उस पूरे इलाके को सील कर दिया है, क्योंकि वहां पर उम्मीद की जा रही है कि अभी भी कुछ लोग जो घायल है या फिर शव जो है वो वहां पे पड़े हो सकते हैं। तो तलाशी अभी चल रही है वहां पे और शवों की जांच करने की कोशिश फिलहाल जारी है। शुक्रिया रवीश आपका इस जानकारी के लिए, आपसे अपडेट्स आगे लेते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।